हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कलाकंद की रेसिपी। एकदम इंस्टेंटली बन जाता है, खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही बनाने में बहुत आसान है, साथ ही बहुत हेल्दी भी है। तो इसे मैंने कैसे बनाया है देखते हैं, इसकी एक छोटी सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 500 ml के करीब दूध, ये फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। साथ ही 400 ग्राम मैंने ग्रेटेड पनीर ऐड किया है, यह मलाईदार पनीर लिया है। अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसे। जब दूध और पनीर अच्छा से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 150 ग्राम के करीब शक्कर। अब अच्छा सा मिक्स दे देंगे। हमारा पनीर और दूध मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मावा। मैंने 200 ग्राम मावा लिया है यहाँ पर। मावा डालने से होगा ये कि हमारा जो कलाकंद है बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में बनकर के तैयार होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। साथ ही एक चम्मच मैंने घी ऐड किया है। घी ऐड करने से इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। साथ ही मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने कुछ पिस्ता, काजू, बादाम अच्छे से बारीक बारीक काट लिए थे, वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। थोड़े से मैं बचा लूँगी, बाद में गार्निश के काम आएंगे। अब अच्छा सा मिक्स दे देंगे। मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है आधा चम्मच। अच्छा सा मिक्स दे दिया है। अब मैं अपनी प्लेट को ग्रीस कर लूँगी आधा चम्मच घी के साथ में। हमारा जो मिक्सचर है तैयार है सेट होने के लिए। ध्यान रहे आप घी का ही यूज़ करना सेट करने के लिए, ऑयल का मत करना, क्योंकि घी सेट होने में मदद करता है जो भी हम मिठाई बनाते हैं या कलाकंद बनाते हैं उसको। हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, मैंने अपना कलाकंद निकाल लिया है। हम इसे कट करके देखेंगे कि तैयार है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ये एकदम तैयार है। आप इसके छोटे या बड़े जैसे पीस करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटे पीस करने वाली हूँ। तो तैयार है हमारा इंस्टेंट कलाकंद, जो कि वाकई में बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हुआ है। तो इस होली ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी, और अपने अनुभव ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका कलाकंद कैसा बना था। पीसेस हमें बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटने हैं। कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से ही हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। जो मैंने नट्स बचा कर रखे थे उससे मैंने गार्निश कर दिया है पिस्ता, बादाम और काजू से। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है इस होली पर। और अपने मेहमानों को खुश कीजिए, अपने घर वालों को खुश कीजिए इस इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी से। मैंने यहाँ पे चांदी का वर्क लगा दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे एकदम हलवाई स्टाइल कलाकंद पसंद है देखने में। क्योंकि हम सबसे पहले आँखों से ही खाते हैं, तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसे खाने का मन करता ही है। तैयार है हमारा इंस्टेंट कलाकंद, तो ज़रूर से बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कुकिंग करते रहिए। टिल देन, बाय बाय।